अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपकी खिदमत में तारीख मज़मून का ये वीडियो लेकर हम दोबारा हाजिर हुए हैं, जो आपकी रहनुमाई के लिए बनाया गया है। इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि पिछले साल बोर्ड की जानिब से 60 नंबर के तारीख का पर्चा आपके सामने पेश किया गया था, जिसे तरमीम करके, तनसीख करके 20 नंबर घटाकर आपके सामने 40 नंबर का जो है दोबारा पर्चा लाया गया है। और अगर इस पर्चे के खाके पर आप गौर करेंगे, जो आके आपके सामने पेश है, तो इसमें मारूजी सवालात तकरीबन 20 से 22 नंबर के हैं। अगर वो बच्चा उन मारूजी सवालात को हल कर लेता है, तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ वो पास होगा, बल्कि 50% से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सवालात की तरतीब के लिहाज से, तो कुछ खाके भी बयान किए गए हैं और उनकी तफसील भी आपके सामने हम बयान करते हुए चलते हैं। आपको सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखना है कि मशकी सवाल में से तमाम सवालात के मारदूई सवालात के जवाब आपको अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, और उनको याद करने के बाद उसका इयादा करते हुए उसे रकम कर लेना है। कुछ सवालात दरमियान से भी पूछे जा सकते हैं, जिसके लिए आप दीगर किताबों की मदद ले सकते हैं, या इस वीडियो के बाद हम कुछ सवालात जो है वो आपको शाये कर देंगे, आप उसे देख कर उसकी रहनुमाई की उससे रहनुमाई से इस्तेफादा कर सकते हैं। बहरहाल, यहाँ पर सवाल नंबर एक के अलिफ़ की अगर हम बात करें, जो शुरुआत में आता है, सबसे पहले खानापुरी का आता है, ये 3 नंबर की खानापुरियाँ आएंगी। 3 नंबर के लिए दरमियान से भी पूछ सकता है, या फिर वो मशकी भी हो सकते हैं। बहरहाल, वो 3 नंबर की खानापुरी जो होगी वो 3 नंबर के लिए होगी। सवाल नंबर एक का अलिफ होगी, जो कि आसानी के साथ तकरीबन हर बच्चा कर सकता है, चाहे कितना ही कुन जहन क्यों ना हो। उसके बाद सवाल नंबर एक के बे की अगर बात करें, तो सवाल नंबर एक के बे में यहाँ पर गलत जोड़ियों का इंतखाब करना है आपको। यहाँ पर 3 जोड़ियाँ दी हुई होगी, और 3 जोड़ियों में से हर एक जोड़ी में से एक जोड़ी जो है वो गलत होगी। आपको सिर्फ उसका इंतखाब करना है, और इंतखाब करने के बाद उसे लिखना है आपको। और लिखने के लिए आपको ध्यान रखिएगा कि पूरी सही जोड़ी उतारने के बाद फिर गलत जोड़ी उतारना, इस तरीके से तकरीबन 18 मिनट आपके ज़ाय होंगे। बेहतर यह है कि यहाँ पर आपके सामने एक नमूना हम पेश कर रहे हैं। इस नमूने के तहत आपको सिर्फ सवाल का नंबर डालना है, सवाल नंबर एक का बे, और उसकी पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी और तीसरी जोड़ी, उसमें से कौन सी जोड़ी गलत है उसका नंबर यहाँ पर देखो डाला हुआ है। ये नंबर डालकर आप उसके बाद गलत जोड़ी का इंतखाब कर दें, और सीधे तौर पर उसे लिख ले, कम वक्त में इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं, सवाल नंबर दो की बात करते हैं, सवाल नंबर दो में पहले अलिफ के तौर पर आपको आएगा खाका। खाके में 3 खाके दिए हुए होंगे, जो बिल्कुल उर्दू के तर्ज पर ही हैं, तसव्वुराती हो सकते हैं उसके अंदर, या शबकी खाके हो सकते हैं, या फिर हम जो खाके पीछे मश्क में पढ़ते चले आए हैं। जदवल मुकम्मल करो भी आ सकता है उसके अंदर आपको, या उसमें ज़मानी तरतीब आ सकता है। किसी भी लिहाज से 3 खाके जो होंगे वो दिए होंगे, जिसमें से आपको कोई 2 खाके करने हैं, और हर खाके के लिए तकरीबन 2 नंबर हैं। तो 2-2 नंबर के अगर आप 2 खाके मुकम्मल करते हैं, तो 4 नंबर के खाके आपके मुकम्मल हो जाते हैं। और उसी में अगर आप देखेंगे गौर से, तो कुछ खाके बड़ी आसानी से पूछे जाते हैं, कुछ एक आध खाके ऐसे होते हैं जो दरमियान से पूछे जाएँ, वरना मश्क के पीछे जो दिए हुए थे खाके, वो या फिर आसान किस्म के खाके जो पूछे जाते हैं। मिसाल मैं बता सकता हूँ आपके सामने यहाँ पे, जैसे कठपुतली की अकसाम पूछ सकता है आपको, लुगत पूछ सकता है, या फिर तहरीक के ताल्लुक से कितनी तहरीकें आज़ादी से पहले चल रही थी, या फिर हिंदुस्तान को आज़ादी के बाद क्या हालात पेश आए, या फिर अगर हम और अगर बात करें तो ज़रात की किस्में पूछ सकता है आपसे, यूनिवर्सिटी के नाम, उनकी किस्में या उनके इलाकों के नाम। इस तरीके से खाका आपको दरमियान से बना के पूछेगा ज़रूर, लेकिन वो बड़े मुश्किल किस्म के नहीं होंगे, आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसमें बे की बात करें हम, तो इसमें नोट लिखने के लिए कहा जाएगा, या इस्तिलाहात होंगी। इस्तिलाहात कहते हैं एक मुरादी मानी जो तय किया गया है, जैसे जदलियत, ये इस्तिलाह है, या फिर आपको नोट लिखने के लिए कहा जाएगा। बहरहाल, किसी भी सूरत में आप इतना ध्यान रखिए कि आप तमाम इस्तिलाहात जो है वो आसानी के साथ 3 से 4 नुकात में उसको मुकम्मल करेंगे, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। इस तरीके से अगर आप देखें, तो अगर कोई कमज़ोर बच्चा है जिसको जवाब याद नहीं होता, तो वो जवाबात की फिक्र ना करें, बल्कि इन खाकों पर, गलत जोड़ियों पर, खानापुरी पर और इक्तिबास पर, इस पर ध्यान दें, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब व कामरान होगा। अब अगर बात करें हम लोग सवाल नंबर 3 की, सवाल नंबर 3 एक ऐसा सवाल है जिसमें वजूहात बयान करनी है आपको, और ये वजूहात जो है वो 5 वजूहात दी हुई होंगी, या 4 वजूहात दी हुई होंगी, जिसमें से कोई 2 वजूहात आपको करनी होगी, 4 में से कोई 2 वजह बयान करनी होगी, और इसके भी तकरीबन समझ लीजिए कि नंबरात 2-2 करके 4 नंबर ही होंगे। इस तरीके से समझ लीजिए कि वजह क्या होती है, वो आपको बयान करते हुए आगे बढ़ना है, और उसकी वजह लिखना होगी आपको। बहुत सारे सवालात उसके अंदर जो दिए हुए हैं, जैसे एक सवाल आम तौर पर, इतला की तारीख की ज़रूरत क्या है, या फिर हमें अपनी तहजीबी विरसे को बचा के रखने की ज़रूरत क्या है, ऐसे कुछ सवालात पूछे जो इतलाकी नौयत के होते हैं। आप अगर जवाब याद करने जाएँगे, तो जवाब को समझ के याद कीजिए। अगर आप जवाब को समझ लेंगे, तो यकीनी तौर पर आपको याद हो सकते हैं आसानी के साथ।
तो इसमें तरतीब बिल्कुल वैसी ही होती है। सवाल नंबर एक के अलिफ में खानापुरी आएगी, सवाल नंबर एक के बे के अंदर आपको गलत जोड़ियाँ आएंगी जिसका इंतखाब करना है, सवाल नंबर दो के अलिफ में आपको खाके बनाने होते हैं, सवाल नंबर दो के बे के अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको नोट इस्तिलाहात लिखनी होती है, सवाल नंबर तीन में आपको वजूहात बयान करनी होती है। अब वजूहात भी चार दी हुई होगी कि इसमें से दो करना है आपको, इतने ज़्यादा मुतबादिल के साथ आपको पूछा जा रहा है। अब उसके बाद अगर बात करें तो सवाल नंबर चार आता है इक्तिबास। इक्तिबास ये बिल्कुल उर्दू की नौयत का ही होता है, एक इक्तिबास दिया हुआ होगा जिसको पढ़ने के बाद तीन सवाल के जवाब आपको देने होंगे, उसमें से एक एक नंबर के दो सवाल होंगे और एक सवाल दो नंबर का होगा। ज़रा गौर से ध्यान रख कर उसको पढ़ेंगे, इसमें ज़ाती नौयत का सवाल अगर आया भी तो वो इतलाकी नौयत का आएगा, वो ज़ाती नौयत नहीं बल्कि इतलाकी नौयत होगी कि आप इस मरहले पर क्या करेंगे, और वो सवाल इक्तिबास से मुतालिक ही होगा, इक्तिबास से हटकर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक एक नंबर के दो सवाल और दो नंबर का एक सवाल आपको मुकम्मल करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सवाल नंबर पाँच मुफस्सिल जवाबात। मुफस्सिल जवाबात जो है वो है तकरीबन छः नंबर के लिए। यहाँ पर आपको चार सवाल दिए हुए होंगे और उन चार सवाल में से हर एक सवाल का समझ लीजिए तकरीबन कि तीन नंबर होगा, ऐसे मुतबादिल मिला के 12 नंबर हो जाएंगे जिसमें से छः नंबर के जवाब आपको लिखने हैं। और वक्त की नौयत बिल्कुल वैसे ही तय करना है आपको, जब आप जवाब लिखना शुरू करते हैं तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको पैराग्राफ या इबारत की शक्ल में जवाब नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको नुकात के लिहाज से एक नुकता, उसके नीचे दूसरा नुकता, उसके नीचे तीसरा नुकता, ऐसे नुकात की निशानदेही करते हुए जवाब मुकम्मल करना है। अब छः नंबर जो है आपके लिए, तीन नंबर का एक सवाल जो पूछा गया है उसके लिए आप कम से कम चार पाँच या छः नुकात की तैयारी कीजिए और उसे सिलसिलावार बयान कीजिए। और इतना ध्यान रखिए कि इसमें वक्त की पाबंदी बिल्कुल वैसी ही होगी कि अगर छः तीन नंबर का सवाल है तो छः मिनट या सात मिनट के अंदर आपको उसे मुकम्मल किसी भी सूरत में करना है, अगर उससे ज़्यादा वक्त आप ज़ाय करेंगे तो इख्तिताम में आपके लिए वक्त नहीं बचेगा। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए लिखिए, तारीख के कुल मिलाकर इस तरीके से 28 नंबर के सवाल होते हैं। यहाँ पर फिर सियासी साइंस की बात अगर हम लोग करें तो सियासी साइंस में जो है वो 12 नंबर दिए गए हैं और 12 नंबर देकर उसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं, तकरीबन चार सवाल आते हैं। सवाल नंबर छः, सवाल नंबर छः की अगर बात करें तो ये दो नंबर की खानापूरी होगी, वहाँ पर तीन नंबर की हमने तारीख में की थी, यहाँ दो नंबर की खानापूरी होगी जो काफ़ी आसान होती है, आसानी से हर बच्चा उसको कर लेता है। उसके बाद सही या गलत ये चीज़ भी आपको बयान करनी होगी। सवाल नंबर सात में आपको पूछा जाएगा दिए हुए बयानात सही हैं या गलत हैं, इसको वजह के साथ बयान कीजिए, अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, आपको उसकी वजूहात के साथ बयान करनी चाहिए। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप बयान करते हैं तो उसको पूरे अल्फाज में लिखिए, सही करके या गलत करके अल्फाज में लिखिए उसे, सिर्फ इशारा करते हुए सही गलत की निशानदेही ना कीजिए बल्कि अल्फाज में सही है या गलत है, और सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। एक सवाल पूछा जाता है कि हिंदुस्तान की जमहूरियत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, ये जवाब बिल्कुल सही है, आपको इसका जवाब में क्या लिखना होता है कि हम दुनिया की आबादी के लिहाज से हमारा मुल्क जो है वो दूसरे नंबर पर है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में वोट देने का जो हक था राय दहिंदगान, ये हमारी हदबंदी जो थी 21 साल से घटा के हमने 18 साल कर दिए, जिसकी वजह से एक नौजवान तबका, एक बड़ी तादाद में हमारे पास राय दहिंदगान तैयार है, वोटर्स तैयार है, जो दुनिया किसी और मुल्क के पास नहीं है। इसका मतलब कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत रखते हैं अपने पास, ये हमारी खासियत है जो आपको बयान करनी है, उसकी वजह के साथ लिखना है, जो आपके लिए दो नंबर होगा। इसमें आपको कुल मिलाकर समझ लीजिए कि तीन सवाल पूछे जाएंगे और उसमें से कोई दो आपको करने होंगे। फिर सवाल नंबर आठ की अगर बात की जाए हम लोग, तो सवाल नंबर आठ जो होगा, सवाल नंबर आठ में अलिफ़ और बे दो हिस्सा किया गया है। अलिफ़ में जो है वो आपको वही तसव्वुराती खाका आएगा जैसा कि तारीख में आया था, लेकिन यहाँ पर दो खाके दिए हुए होंगे और किसी एक खाके को आपको मुकम्मल करना होता है, उन दो खाकों में से एक आप मुकम्मल करेंगे जिसके लिए दो नंबर मुख्तस किए गए हैं, और वो खाके भी बड़ी मुश्किल किस्म के नहीं होंगे। अब उसके बाद अगर बात करें सवाल नंबर आठ के बे में, तो आठ के बे में अगर बात करें तो वो हिदायत के मुताबिक अमल, यानी उसमें भी वही आएगा, या तो नोट लिखिए या इस्तिलाहात कीजिए। अब इस्तिलाह में आपको पूछ सकता है दहशतगर्दी क्या है, या फिर बायां महाज जो दहशतगर्दी वो क्या है, या फिर अक़लियत क्या है, या फिर आपसे वो पूछा जा सकता है आसान तौर पर कि लिसानियत की बुनियाद पर इलाकाइयत लिसानियत जिस चीज़ क्या है, इसकी वजाहत करनी है आपको, नोट के तौर पर हो या इस्तिलाहात के तौर पर हो। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सवाल नंबर नौ आता है, सवाल नंबर नौ मुफस्सिल जवाबात होते हैं जिसमें कम अज़ कम आपको चार नुकात लिखने ज़रूरी होते हैं। इसमें दो सवाल आपको दिए जाएंगे और दो सवाल जो है देने के बाद आपको कोई एक सवाल ही करना है, और दो सवाल में से एक सवाल जब आप करते हैं तो उसके कुल मिला के दो नंबर होते हैं, यानी इस तरीके से सियासी साइंस के कुल मिला के 12 नंबर होते हैं। यहाँ पर एक बात की और मैं वजाहत करते चलूँ कि तारीख के जो मुफस्सिल जवाब हमने पढ़े हैं उसमें हम
انتخاب کریں گے اس میں چار نوعیت کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اگر سبق پڑھا ہوگا زراعت کی قسمیں, تو کسی چیز کی قسم بیان کرنے کے لیے پوچھ سکتا ہے آپ کو, دو چیز کے بارے میں فرق یا موازنہ کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے آپ کو, جیسے کہ نشستی کھیل یا میدانی کھیل, یہ کہہ سکتا ہے. تیسرا کسی چیز کے نظریات, کارل مارکس کے نظریات, نسائی نظریات, اس طریقے سے کسی کے نظریات پوچھ سکتا ہے, یا آپ کو ایک جدول دے سکتا ہے وہاں پر اور جدول مکمل کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے آپ کو. تو اس طریقے سے تقریباً سمجھ لیجیے اگر آپ, تو تین یا چار قسم کے جو ہے وہ سوالات آپ کو الگ الگ قسم کے پوچھ سکتے ہیں. یا پھر آپ کو یہ پوچھے گا کہ تصویری مشاہدہ کیجیے. اب تصویری مشاہدے میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سوالات ایسے ہیں جو مشق میں نہیں دیے ہوئے, لیکن ہم کو درمیان سے اس کی تیاری کرنی ہے. جیسے ایک تصویر یہاں پہ دیا ہوتا ہے عام طور پر, دادا صاحب پھالکے کی تصویر ہے. دادا صاحب پھالکے جو فلمی نگری کے یا فلمی دنیا کی اگر ہم بات کریں, تو یہ خالق کے طور پر مانے جاتے ہیں جنہوں نے 1913 کے اندر پہلی خاموش فلم ایسی بنائی تھی جو مکمل طور پر ہندوستان میں تیار کی گئی تھی. تو ان کے یہ اعزاز جو ہے ان کے لیے جاتا ہے, اور ان کے اعزاز کے طور پر ہمارے یہاں فلم میں سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے, سب سے بڑا اعزاز ان کے نام پر ہی دیا جاتا ہے. انہوں نے جو ہے نہ صرف یہ کہ 1913 میں جو فلم بنائی تھی, ہریش چندر اس کا نام تھا, پہلی خاموش فلم تھی اور ہندوستان کی مکمل تکنیک پر بنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا تھا جس کا نام تھا پھالیکر فلم لمیٹڈ, اور اس ادارے نے تقریباً 20 فلمیں تیار کی تھی. تو ایسی مختصر سی معلومات آپ جمع کریں اور تصویر کو دیکھ کر اس کے بارے میں لکھ لیں. دوسری تصویر آپ کو یہاں پر آئے گی, ایک دکھ رہی ہے آپ کو یہ گول گول جو پانچ دائرے دکھ رہے ہیں, دراصل یہ اولمپک کی نشانیاں ہیں. اولمپک کے پانچ بر اعظموں کی عکاسی کرتا ہے یہ پانچ دائرہ, اور اولمپک کے کھیلوں کے اندر عام طور پر یہ اس کی شروعات ہوئی تھی یونان سے. یونان میں عام طور پر چار سالوں میں ایک مقابلے منعقد کیے جاتے جس کے دوران جنگ پر پابندی عائد ہوتی, تو یہ امن و سلامتی, خیر سگالی, بھائی چارے کی ایک علامت بن گئی تھی. موجودہ اولمپک جو ہے یہ اولمپیا جو مقابلے تھے یونان کے, یہ اسی کی دین ہے جو ہر چار سال میں ہمارے یہاں ہوتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں, جیسے دوڑ ہوتا ہے, سوئمنگ ہوتی ہے, اس کے اندر گولا پھینک ہوتا ہے, یا پھر اور دوسرے قسم کے کئی کھیل ہوتے ہیں جو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو. آپ کو ان کھیلوں کا نام لکھنا ہے اور اس مقابلے کے بارے میں مختصر سی تفصیل لکھنی ہے, اور ساتھ میں اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ اس مقابلے کا اصل مقصد ہوتا ہے امن سلامتی, خیر سگالی, بھائی چارگی کے جذبے کو فروغ دینا, اور ساتھ ہی ساتھ اس مقابلے میں شرکت کرنا ہر ایک ملک کے لیے باعث شان ہوتا ہے. یہاں پر کھلاڑی جب شرکت کرتا ہے اور تمغہ جیتتا ہے, تو تمغہ اس کے نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے تمام ملک کے لیے وہ بہت بڑے باعث فخر بات مانی جاتی ہے. تو یہ ساری معلومات آپ اس تصویر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. اچھا, درمیان سے ایک سوال اور اکثر پوچھا جاتا ہے, وہ کیلاش مندر کے تعلق سے. کیلاش مندر یہ جو ہے یہ ایلورا کی غار میں, مہاراشٹر کے اندر ایلورا غار میں, اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک بڑا سا جو ٹیلا ہوتا ہے, معاف کیجیے گا, چھوٹا جو ٹیلا ہوتا ہے جس کی بڑی سی چٹان, ایک سالم چٹان کو تراش کر کے یہ پورا جو ہے وہ مندر تیار کیا گیا, یہ اس کی خاصیت ہے. اور یہاں تک کہ جو یونیسکو ادارہ ہوتا ہے, اس ادارے نے سمجھ لیجئے کہ اس عمارت یا اس مندر کو 1983 کے اندر عالمی ورثے کا جو ہے مقام دیا ہے, جو یہ بھارت کی طرف سے عالمی ورثے کے مقام کے طور پر یہ علاقہ دیکھا جاتا ہے. کچھ سوالات اور میں آپ کے سامنے بتا دوں, بیان کرتا چلوں, جو تاریخ اور سیاسی سائنس دونوں کے درمیان سے پوچھے جاتے ہیں. جیسے دھیان چند, دھیان چند کا نام بارہا دیکھا ہوگا آپ نے, یا سنا ہوگا, یا ٹی وی میں دیکھا ہوگا, یا خبروں میں پڑھا ہوگا, لیکن ہمارے ذہن سے نکل گیا ہوگا. دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہتے ہیں, کیوں؟ سب سے پہلی بات تو سمجھ لیجیے کہ جس وقت یہ ہاکی کھیلا کرتے تھے اس وقت ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا. اس دوران انہوں نے 1928 میں, 1932 میں, 1936 میں تین سال تک مسلسل ہندوستانی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے کپتان کی حیثیت سے ہندوستان کو گولڈ میڈل دلایا تھا. ان کے پورے اگر زندگی کی بات کی جائے, جس میں انہوں نے جو کرکٹ کھیلا ہے, ہاکی کھیلا ہے, تو اس ہاکی کے اندر انہوں نے 400 سے زیادہ گول مارے, اور ایک میچ ایسا تھا اس کے درمیان 1932 کا جس میں جاپان اور امریکہ کے خلاف انہوں نے تقریباً 25 گول مارے تھے. اس اعزاز کی وجہ سے ان کو ہاکی کا جادوگر کہتے ہیں. ایک اور اضافی معلومات اس میں یہ بھی دھیان رکھ لیجیے کہ جب انہوں نے جرمنی کو شکست دی تھی, تو ایڈولف ہٹلر نے ان کو اپنے ملک کی طرف سے کھیلنے کی پیشکش کی تھی کہ تم آؤ جرمنی کی طرف سے کھیلو. بہرحال یہ ساری معلومات میں سے جو ضروری معلومات ہیں وہ ہم کو درج کرنی ہے. اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں غور طریقے سے, تو ایک سوال آتا ہے مارکو پولو. مارکو پولو یہ شخص ہے, یہ بھی درمیان سے پوچھا جانے والا سوال ہے. مارکو پولو عام طور پر جو ہے یہ وہ شخص ہے جس نے تقریباً 17 سال جو ہے وہ چین میں نکالے. 13ویں صدی کے اندر یہ شخص جو ہے وہ چین میں گیا تھا, 17 سال تک وہاں پر رہا, وہاں کی تہذیبی زندگی, سماجی زندگی, وہاں کی طبعی ساخت کو اس نے دیکھا, وہاں کی تجارت کے طریقے کو دیکھا, اور وہ سب اپنی کتاب میں اس نے درج کیا, جو کہ بعد میں یورپ والوں کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوئی, اور یورپ والوں نے اس کی بنیاد پر چین سے رشتے استوار کیے. نہ صرف رشتے استوار کیے بلکہ چین کے ساتھ جو ہے ان کے مراسم کافی بہتر ہونے لگے یا تجارتی تعلقات قائم ہو گئے. یہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے. ایک سوال سیاسی سائنس میں پوچھا جاتا ہے, جل پروش.
जल पुरुष ये उस शख्स का नाम है जिसको हम लोग डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा कहते हैं। इनको दरअसल पानी का नोबेल इनाम मिला था, इसलिए क्योंकि राजस्थान के इलाके में जहाँ पानी की शदीद किल्लत होती है वहाँ पर इन्होंने दरियाओं के पुश्ते तैयार किए थे, यानी मिट्टी के बांध बनाकर दरियाओं को फैलने से, उनका पानी ज़ाय होने से रोकने की कोशिश की थी। उसके साथ साथ इन्होंने जंगलात के तहफ़ के लिए, जंगली जानवरों के तहफ़ के लिए बहुत सारी कोशिशें की। तो उनकी काविशों के खिदमात में एतराफ़ करते हुए इनको नोबेल इनाम दिया गया है, इसीलिए इनको जल पुरुष कहा जाता है। तलबा व तालिबात की रहनुमाई के लिए यहाँ पर कुछ खानापुरियाँ, गलत जोड़ियाँ और खाके आपके खिदमत में पेश किए गए हैं, जिससे आप इस्तेफादा कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए या मज़ीद और मश्क करने के लिए आप दरसी किताब से कुछ खाके, कुछ गलत जोड़ियाँ या खानापुरियाँ अपनी असातिज़ा की मदद से लेकर उसे आसानी के साथ हल कर सकते हैं। और मज़ीद तफसीलात अगर आपको और चाहिए या किसी किस्म की दिक्कत हो तो हमसे रابطہ कायम करने की कोशिश करें। यहाँ पर जो आपकी खिदमत में पेश किया गया है उससे यकीनी तौर पर आप इस्तेफादा कर सकते हैं। तो ये तमाम मालूमात मैंने आपको मुकम्मल तौर पर आप तक पहुंचाई है। अब मेरी दुआ यही रहेगी कि आप मुकम्मल तौर पर इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद कामयाबी और कामरानी हासिल कीजिए। मज़ीद अगर कोई दिक्कत हो तो आप अपने असातिज़ा से राब्ता कायम कर सकते हैं या फिर नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उससे फ़ोन करके राब्ता कायम कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।